में देखेंगे कि कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन बीएड जहां आप करना चाहते हो पंजाब में कितने या कौन से कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, कितने एडेड कॉलेज हैं और बाकी प्राइवेट के बारे में शायद कोई भी जानना नहीं चाहता, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वो नाम उनको नाम दिया गया है जो 100% गवर्नमेंट द्वारा जिनको ग्रांट दी जाती है, ठीक, और प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो है वो जीरो ग्रांट दी जाती है, और एडेड कॉलेज मिडवे में आते हैं। पहले 95 कभी होती थी जब गवर्नमेंट अच्छे दिन कभी होते थे, तो अब मेरे ख्याल रिडक्शन होके 75 या 65 आई डोंट नो इसके नजदीक ग्रांट मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी फीस फिक्स होती है। नेचुरली है गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हो तो फीस सबसे कम होगी। मैंने लगभग 900 रुपए में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर से बी एड की है, शायद इतने में ही 1200 में एमएड की है। उनकी लिस्ट अब आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोर एडेड कॉलेज है, डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फाजिलका एडेड कॉलेज है, और मेरी जानकारी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, देव स्मार्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन फिरोजपुर में जो है एडेड कॉलेज है, डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन होशियारपुर 300 सीट से कभी अब भी ये सबसे बड़ा पंजाब का स्ट्रेंथ वाइज कॉलेज है, जीएचजी खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन गुरुसर सधार 100 सीट्स हैं, यहाँ ये भी एडेड कॉलेज है, मालवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन लुधियाना एडेड कॉलेज है, डीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोगा एडेड कॉलेज है, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुक्तसर साहिब एडेड कॉलेज है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंडर जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है वो है। इसके अलावा चंडीगढ़ में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20 में है, ये प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में देखते हैं स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स हैं इसमें, ये प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट संगरूर में 50 सीट्स हैं, ये प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर बठिंडा 50 सीट्स है यहाँ पर, इसे भी आप एडेड कॉलेज की तरह मान सकते हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन एडेड कॉलेज में है, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन अमृतसर एडेड कॉलेज में है, एमजीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर एडेड कॉलेज है, जलंधर में दूसरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन 100 सीट्स, ये भी प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज है। गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन कपूरथला 50 सीट्स है यहाँ पर, ये एडेड कॉलेज है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन शहीद भगत सिंह नगर 50 सीट्स, ये भी एडेड कॉलेज है। तो ये थे टोटल कॉलेजेस पंजाब के जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दी है, उनकी लिस्ट थी। देख सकते हो प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है और एडेड कॉलेजेस की गिनती सेकंड नंबर पर है, लेकिन लार्जली 90% कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज इस बार एडमिशन लेते समय आपको एक ध्यान रखना होगा कि जो नॉन अटेंडिंग टेंडेंसी है उसको एनसीटीई ने रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। अगर वो रिजिडली और ईमानदारी से स्टेप्स लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज द्वारा फॉलो किए जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी टेंडेंसी गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस में ज्यादा बने, क्योंकि अगर नॉन अटेंडिंग बीएड होती है तो नेचुरली आप जहां पर कम फीस होती है वहां आप जाने की कोशिश करोगे। तो दूसरी तरफ जो नॉन अटेंडिंग टेंडेंसी है प्राइवेट कॉलेजेस में सारे इंडिया में चल रही है, उस पर चेक लगने की पूरी संभावना है। इस बार अगर आपको कोई कॉलेज ये वादा करता है कि नॉन अटेंडिंग बीएड करवा देंगे, तो ये हो सकता है कि आपकी बीएड रिस्क में हो। आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ लिए हैं, कुछ कॉलेजेस की इंस्पेक्शन हो भी चुकी है और एनसीटी के द्वारा ये इंस्पेक्शन करवाई जा रही है, सडन इंस्पेक्शन है, प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, ये जो प्रोसेस चल रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसको अभी से समझ लेना चाहिए। दैट इज वाई आपको बीइंग बीएड के कैंडिडेट आपको ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। तो जो भी अपडेट होगा रिगार्डिंग बीएड एडमिशन मैं आपको अवेयर करता रहूंगा। कोई भी जानकारी होगी जो एनसीटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो बीएड का प्रोसीजर चला रही है, अपडेट रहने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं लर्न टू एक्चुलाइज। कोई भी क्वारी हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।